हाय एवरीवन, मैं हूँ डॉक्टर शालिनी और मैं हूँ एक नेचुरोपैथ, एमडी इन नेचुरोपैथी। नेचुरोपैथ अपने पेशेंट का ट्रीटमेंट हमेशा नेचुरल चीज़ों से करता है। तो आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही अच्छा नेचुरल चीज़ जिसको 50% या 60% वर्ल्ड अवॉइड करती है, पसंद नहीं करते इसका टेस्ट। लेकिन मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको इसको अपने लाइफ में कितना ज़्यादा ऐड करना चाहिए और इससे कितना बड़ा मिरेकल्स हो सकता है आपके लाइफ में, जो आप शायद सोच भी नहीं सकते हैं। किस किस फॉर्म में आप इसको ले सकते हैं ये भी बताऊँगी और इसका हेल्थ बेनिफिट भी बताऊँगी। साथ में ये बताऊँगी, जो इतने लोग मुझे मैसेजेस भेजते हैं कि उनको बहुत तरह की प्रॉब्लम है और वो किस तरह से ठीक करें, तो एक चीज़ को अगर डिफरेंट वैरायटी से ले तो किस तरह से आप उससे बाहर आ सकते हैं। और आपके इर्द गिर्द ही मिलता है और बहुत सस्ती चीज़ है, आप उसको बहुत इजीली अफोर्ड कर सकते हैं। और वर्ल्ड के हर फार्मर मार्केट में या जो सुपर मार्केट होता है वहाँ पर ये ज़रूर मिलता है। लेकिन स्टार्ट मैं कर रही हूँ एक रेसिपी से, और वो जो अक्सर मैं लेती हूँ और किस तरह से वो बनता है एग्जैक्टली और फ़ायदा क्या है, ये है बीट रूट की डंडी। जो लीफ होती है और डंडी होती है उसको कभी अवॉइड नहीं करना चाहिए, बहुत बेनिफिशियल है आपके लाइफ में। और अगर उसको आप इग्नोर करते हैं तो बहुत प्रॉब्लम होता है। ये डंडी बहुत मुश्किल से मिलता है, लेकिन अगर सुपरमार्केट में जाएंगे या फिर फार्मर मार्केट में तो कई बार डंडी सही बीट भी सेल हो रही होती है। तुड़वाइए नहीं, बिल्कुल लेकर आइए। इसमें होता है बायोफ्लेमोनाइड, ये जो होता है बहुत ही इजीली अब्जॉर्बेंट चीज़ है जो कि आपके बॉडी में जाकर आपको बहुत बेनिफिट देती है। सेकेंड इसी का ब्रदर होता है, आप कह सकते हैं चाट कहते हैं इसे, सुपर मार्केट में या फिर ऑनलाइन बहुत ईजिली मिलता है। यहाँ पर मुंबई में मैं 15 रुपीज़ का ख़रीदती हूँ। ये चार्ड मल्टी कलर का होता है और बहुत बेनिफिशियल है, किसी भी सूप में डाल दीजिए। और कलर का अपना वैल्यू है, बहुत वैल्यू। अगर रेड कलर है तो आपको किस तरह बॉडी में कलर बिल्कुल ऐड कीजिए। ये भी इनडायरेक्टली बीट रूट की तरह ही होता है और बीट रूट की ही डंडी होती है जो कि आपके बॉडी को में मिनरल्स विटामिंस बहुत हाई करती है। बायोफ्लेमोनॉइड जो होता है वो आपके के एंटीबॉडी बनने में बहुत हेल्प करता है। और अगर आपके बॉडी में अगर बीमारियों से लड़ने की क्षमता है तो आप फिर जीत ही जाते हैं हर चीज़ से। तो जो लोग ये कहते हैं कि मेरा वेट स्टैग्नेट कर गया या फिर ये बीमारी है ये ठीक नहीं हो रही है, अगर आप इस तरह की चीज़ों को, एक तो ये फाइबर है, ये तो सब जानते हैं कि कोई किसी भी तरह का स्टेम अगर आप खाते हैं तो उसमें फाइबर बहुत हाई होता है जो आपके इंटेस्टाइन के लिए और पैंक्रियाटिक जूस के लिए बहुत अच्छा है। बट जो सबसे बेसिक रीज़न होता है एंटीऑक्सीडेंट, जो मैं बात करती हूँ या जो लोग बोलते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट है, उसका मेन रीज़न यही होता है कि आप अच्छा अगर ब्रीद करते हो और आपका नर्वस सिस्टम, आपका हेड ऑफिस अच्छा काम करता है तो आपके बॉडी में हर एक चीज़ बहुत अच्छे ढंग से वर्क करेगी। तो मैं मोस्टली इसका सूप ज़रूर बनाती हूँ, तरह तरह का लीफ डाल करके, बक चोए, पत्ता गोभी, जो आपको सूट करता हो, सैलरी लीफ डाल करके मैं ये सूप बनाती हूँ ताकि ये बेनिफिट कर सके। और हाँ, मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि कभी भी कोई लीफ अगर आप डालते हैं तो उसमें ये ध्यान रखिएगा कि इसमें एक चम्मच कोई भी ऑयल ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि जो भी ग्रीन या डिफरेंट कलर के वेजिटेबल्स होते हैं वो फुल ऑफ विटामिन मिनरल्स होते हैं, और फुल ऑफ विटामिन मिनरल जितने भी वेजिटेबल हैं वो विटामिन ई और ए से लैस होते हैं, और विटामिन ई भी और विटामिन ए भी दोनों ऑयल सोल्युबल होते हैं। तो अगर उसको ऑयल का सपोर्ट नहीं देंगे आप तो बहुत मुश्किल है ये डाइजेस्ट होना। और साथ में अगर आप इतना हाई फाइबर खा रहे हैं तो बहुत जल्दी इजीली डाइजेस्ट हो जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसके साथ प्रोटीन ज़रूर रखिए। तो इसमें मैंने टुफू ऐड किया है, तो ये टुफू रहने से एक स्टफ मिल जाता है, 50 ग्राम टुफू है, ताकि जब मैं ये खाऊँ तो मुझे फ़ायदा हो। तो बीट रूट का एक इग्नोरेंट पार्ट है ये, मतलब हम दुकान में खरीदते समय ही कहते हैं डंडी तोड़कर ही मुझे देना भैया, और वही चीज़ हमें बहुत फ़ायदा करती है। अगर आपको चाट नहीं मिलता है तो सेम यही रेसिपी बीट रूट के डंडी से आप बनाइए और आप देखिए कि एक दो दिन में ही आपके बॉडी में आपको क्या चेंज नज़र आता है। जो भी कहते हैं ना पफी आईज का एप्लीकेशन बताओ, उनको वैसे ही ये ठीक हो जाएगा इसकी डंडी खाने से, पफी आईज बहुत जल्दी जाती है बीट रूट की डंडी से। नेक्स्ट है बीट रूट पे आते हैं तो इसके बेनिफिट बताने से अच्छा मज़ेदार बात मैं आपको पहले बताती हूँ। इसमें होता है ल्यूटीन, जेंथन,
और ग्लिसरीन, ये दो चीज़ एक ऐसी चीज़ है जो केक बनाने में काम आती है, ये केमिकल केक बनाने में काम आता है। जो लोग वेजिटेरियन केक बनाते हैं, मार्केट में आप आजकल देखते होंगे जो केक मिलती है वेजिटेरियन केक भी, वो बहुत फ्लफ़ी होती है। बहुत फ्लफ़ी होने का कारण ही होता है जेंथन और ग्लिसरीन, जब वो डालते हैं तो और उसको मिलाते हैं बहुत ज़्यादा, तो वेज केक जिसमें एग का कॉन्टैक्ट नहीं होता है वो भी बहुत फ्लफ़ी हो जाता है। तो आप समझ लीजिए पहले कि बीट रूट के बॉइल्ड पल्प से आप बहुत अच्छा केक बना सकते हैं, तो वो एक डिलीशियस पार्ट होगा और उसका बैड टेस्ट भी ख़त्म हो जाता है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है और ग्लिसरीन आपको अंदर से मॉइस्ट करती है। तो जो लोग भी ड्राई बॉडी की बात करते हैं या ड्राई आइज़ की बात करते हैं, उनके लिए बीट रूट का जूस, बीट रूट का सब्जी, बीट रूट की सूप या ये सारी चीजें बहुत बेनिफिशियल है। प्लस इसमें विटामिन सी है, तो विटामिन सी जिसमें भी होता है वो इम्यून सिस्टम को बहुत स्ट्रांग बनाता है, आपको रिंकल से हटाता है, आपको एंटीबॉडी बनने में बहुत मदद करता है। तो आप सोच करके देखिए कि आपके इम्यून सिस्टम को ऑलरेडी टाइट कर रहा है और आपको एज को कंट्रोल करता है ये, एग्जैक्टली अगर कहा जाए। मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम होने का मतलब ये होता है जितने भी हार्मोनल प्रॉब्लम आपके बॉडी में है उससे ये फाइट करेगा। चाहे आपको पिकॉस की प्रॉब्लम हो, पिकॉट की प्रॉब्लम हो, थायराइड की प्रॉब्लम हो, पीरियड में प्रॉब्लम हो या फिर मेनोपॉज में प्रॉब्लम हो, ऐसे सारे फेज में आप बीट रूट को अपने लाइफ में अगर हाईली ऐड करते हैं, हाईली ऐड करने का मतलब होता है डिफरेंट फॉर्म में डेली ले, या तो उसका जूस ले या उसका कोई भी रेसिपी सूप ले, कुछ भी ले, तो वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आपके लिए। इसके अंदर होता है आयरन जो आपके ब्लड को बढ़ाता है, बहुत कॉमन चीज़ है, तो इसका जूस बिल्कुल लेना चाहिए, सूप लेना चाहिए। कॉपर होता है जो हीमोग्लोबिन को बनने में मदद करता है, हीमोग्लोबिन को इम्प्रूव करने के लिए सबसे बेटर है, जो भी हाई इन कॉपर होता है वो चीज़ें लेनी चाहिए। यहाँ पर मैं पाउडर फॉर्म में, ये होममेड बीट रूट पाउडर है, ये मैंने खुद बनाया है, लेकिन ये थोड़ा टफ प्रोसेस है, आपके पास ओवन रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको चाहिए होगा तो आप मेरे को बिल्कुल बताइएगा, मैं इसकी रेसिपी बिल्कुल शेयर करूँगी। बट ये मार्केट में भी बहुत सस्ता मिलता है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, बहुत सस्ता होता है, कोई खास नहीं होता है महंगा, तो आप मार्केट से भी ले सकते हैं। बट रेसिपी अगर एग्जैक्टली आपको चाहिए होगी तो बिल्कुल बताना, मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। इसके अलावा होता है इसके अंदर फॉस्फोरस होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। जो पर्सन मेल हो या फीमेल, एज हो गई है जिनकी 50 के क्रॉस हो जाती है, और अभी सर्दियां भी आ रही है, ठंड में क्या होता है हड्डियों में बहुत ज़्यादा पेन रहता है, मसल्स क्रैम्प आते हैं और जल्दी से ठीक नहीं होता है कोई दवा से, तो फॉस्फोरस होना बहुत अच्छा होता है उन लोगों के लिए जिनके स्किन पर रैशेस आए या एक्जिमा हो या किसी तरह का कट गया छिल गया उनके लिए प्रॉब्लम हो, या फिर डायबिटिक पेशेंट के लिए, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि कहीं चोट लग जाती है तो जल्दी ठीक नहीं होता है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर आप अपने बॉडी में ऐसी चीज़ों को डालते हैं जो फॉस्फोरस में हाई हो, तो डायबिटिक पेशेंट को भी हेल्प मिलता है, और ओवर एज जो होते हैं या 50+ होते हैं या फिर जिनकी जख्म जल्दी सूखती नहीं या आफ्टर सर्जरी, सारे लोगों के लिए बेटर है। तो बीटरूट को बिल्कुल आप इग्नोर नहीं कीजिए। टेस्ट इसका कैसे चेंज करेंगे वो मैं बिल्कुल आपको बताऊंगी। मैं मोस्टली ये पाउडर 2 टीस्पून ये लेती हूँ और 1 टीस्पून टमाटर का पाउडर 450 ml में मिलाती हूँ और उसको मिलाकर रख देती हूँ, और दिन भर में मैं धीरे धीरे करके वो पी लेती हूँ। तो ये मेरा डेली रूटीन है कि ये मैं करती ही हूँ, जिससे एक तो एज रिवाइंड होती है, बॉडी स्ट्रांग रहता है, और जो कुछ भी बताया स्लिम रहने में मदद मिलती है, और स्टैग्नेट वेट टूटता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हार्ट डिजीज़ जिनको है उनको भी डे टू डे लाइफ में रखना चाहिए। मेरे लिए पाउडर फॉर्म सबसे अच्छा होता है बिकॉज इसमें कोई मेहनत नहीं है, और जो ऑफिस जाते हैं या जो टूर पे हैं सारे के सारे डब्बे में लेके जा सकते हैं और कहीं भी मिक्स करके पी सकते हैं। तो अगर आप मुझे बोलिएगा तो बिल्कुल शेयर करूँगी, बट ऑनलाइन भी मिलता है, तो दोनों ही ऑप्शन आपके पास है कि किस तरह से अपने लाइफ में हमेशा इसको ऐड करके रखिए। हमेशा काम के दौरान इसको बिल्कुल अवॉइड मत कीजिए, और वो बहुत टेस्टी लगता है जब वो टमाटर के पाउडर के साथ मिल जाता है, और डिलीशियस होता है, ख़राब नहीं लगता है। जिस तरह का बीटरूट कच्चा लगता है वैसी टेस्ट नहीं होती है, मीठी होती है, और इसका शुगर हमें एक किक ही देता है बॉडी में और हमें स्ट्रांग बनाता है, इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाता है। लेकिन अगर जो लोग इसको इस तरह से नहीं लेना चाहते, डायरेक्ट खाना चाहते हैं, और ओवन भी है, इसको काट करके आप सिंपली हल्का सॉल्ट डाल के बेक कर सकते हैं और कभी भी खा सकते हैं, ब्रेकफास्ट में
लंच में या डिनर में, डिनर में आप कम खाइएगा क्योंकि इसमें शुगर कंटेंट बहुत हाई होती है। अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा कि ये आप ब्रेकफास्ट में खाएं। डिनर में खाने से शुगर का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, और अगर आप लेट नाइट खाएंगे तो फिर सॉल्ट की प्रॉब्लम होगी। तो इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि डिनर में हाई शुगर वेजिटेबल है ये, तो अगर ब्रेकफास्ट में है तो जितनी तेज़ी से वेट बढ़ाएगा। अगर आप वेट बढ़ाना चाहते हैं तो आप डिनर में खाइए, हेल्दी भी होंगे और वेट बढ़ भी जाएगा। इसका शेक पी सकते हैं बिल्कुल प्रोटीन शेक में मिला के, इस पाउडर को, बहुत बेनिफिशियल होता है। नेक्स्ट डिलीशियस तरीका है इसको खाने का, नूडल्स। नूडल्स बहुत अच्छी बनती है इसकी और रिग्रेट फ्री है, तो मैं इसका रेसिपी जरूर आपसे शेयर करूंगी। अब जल्दी जल्दी से शेयर करना ही है मुझे, और बहुत डिलीशियस होता है बीटरूट का नूडल्स या कैरेट का नूडल्स, बहुत अच्छा लगता है। इसके अलावा पिकल्स बना सकते हैं इसके, अगर उसकी भी रेसिपी चाहिए तो बिल्कुल बताइएगा। मैंने अपने लिस्ट में जो लिख कर रखा है वो काफ़ी बीटरूट की 6-7 रेसिपी है जिसको आप बना सकते हैं, पाउडर बना सकते हैं, चटनी बना सकते हैं, नूडल्स बना सकते हैं, पिकल्स बना सकते हैं, डिपिंग्स बना सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जूस बना सकते हैं, स्मूदी। लेकिन अगर आप कहेंगे तो उसकी रेसिपी बिल्कुल आपसे शेयर करूंगी, और इस पाउडर की रेसिपी भी शेयर करूंगी अगर आप चाहेंगे तो। बट इसको इग्नोर नहीं कीजिए जब तक ये रेसिपी नहीं मिलती है आप इसको। अगर आप पाउडर लेना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, और अगर डायरेक्ट खाना चाहते हैं तो बिल्कुल बॉयल करके खाइए, और इसके बेनिफिट को का फ़ायदा बिल्कुल उठाइए, और देखिए कि आपको 5-6 दिन में ही बहुत बड़ा फ़र्क अपने लाइफ में नज़र आएगा। तो बिल्कुल अप्लाई कीजिए इस सारे बेनिफिट को अपने लाइफ में। और बीटरूट पर मेरी ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, थम्स अप करें, मेरे वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि दूसरों को मदद मिल पाए, इसको प्लेलिस्ट में ऐड जरूर करें ताकि बाद में आप इसको देख सकें, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को अगर नहीं किया है तो, ताकि फ्यूचर के अपलोड का अपडेट आपको मिल सके। तो फिर मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे किसी रेसिपी इन्फॉर्मेशन स्किन केयर या हेयर केयर के साथ, तब तक के लिए बाय।